हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 12.1 का ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यू कैन से एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। देखिए, यहां पर दो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपकी ये है और दूसरी ये है, ठीक है, और करके यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। जब आपके पास दो दो स्टेटमेंट है, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में और आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पर इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, और क्या बोला गया है कि एंगल ए जो है वो आपका 90 डिग्री है, ओके। ये आपका ट्रायंगल है एबीसी, और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, और साथ में ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। लेट से ये आपका ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। और देखिए, जैसे ही साइड बराबर होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ओके। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन के अंदर यहां पर मेंशन है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए यहां पर मेंशन है, दैट मीन्स टू साइड्स यहां पर इक्वल होंगी, और वो साइड आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, दैट मीन्स एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर आपको फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कैसे? देखिए, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। एंगल बी और एंगल सी का जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप यहां पर देखकर ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, एंगल ए जो है वो आपका 90 डिग्री है, ओके, और यहां पर तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा आपका 180 डिग्री के बराबर, ओके। इसका सिंपल सा मतलब है, लेट से अगर ये आपका x डिग्री है तो ये भी आपका x डिग्री होगा, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। दैट मीन्स अगर ये 90 है तो इन दोनों का जो सम होगा वो 90 के बराबर होगा। अब 90 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ओके, दैट मीन्स यू विल गेट 45 डिग्री। दैट मीन्स ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से आप कैलकुलेशन से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी यू कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो होगा, ओके। अब एंगल ए जो है वो आपका 90 डिग्री है, तो यहां पर आप रख देंगे 90 डिग्री, और एंगल बी और एंगल सी आपका एक दूसरे के बराबर है। लेट से अगर इसको मैंने एक्स माना तो ये भी आपका एक्स होगा, सी बी, ओके। तो यहां पर रख देते हैं एक्स, और यहां पर भी एक्स होगा, ओके। इस तरीके से आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 90, ठीक है, ये आपका यहां पर चला जाएगा सब्ट्रैक्शन। अब यहां पर आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। देखिए, यही तो हमने यहां पर सॉल्व किया था, ओके, दैट मीन्स x का वैल्यू आपका आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब है एंगल b और एंगल c का वैल्यू सेम होगा 45 डिग्री ईच, और यही आपको फाइंड करना था, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि है लेवल 2 का। इन फिगर 12.25, सो दिस इज योर फिगर नंबर 12.25। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, देखिए यहां पर पी क्यू आर एस, तो ये आपका स्क्वायर है। एंड एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एस आर टी ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब प्रूव करना है आपको पी टी इज इक्वल टू क्यू टी और एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आपको ये प्रूव करना है, ये जो पी टी आपकी लाइन है, ठीक है, ये बराबर है क्यू टी के, ठीक है, आपका ये क्यू टी पूरा लाइन है, तो ये दो लाइन आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। इसके बाद एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो टी क्यू आर कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको आपको बताना है कि ये 15 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट वन। तो जो भी आपको गिवन है वहीं से आपको शुरुआत करनी है और धीरे धीरे समझना है। देखिए आपका पी क्यू आर एस ये स्क्वायर है, दैट मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री एंगल होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा, और सभी साइड आपस में इक्वल होंगी, ये साइड आपस में बराबर होंगी, ठीक है। इसके बाद गिवन है एस आर टी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सिंपल सा मतलब है सभी एंगल्स 60 डिग्री के होंगे, ठीक है, ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे और सभी साइड्स आपस में बराबर होंगी। अब बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपको प्रूव करना है पी टी इज इक्वल टू क्यू टी। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए आपको दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको प्रूव करना है पीटी इज इक्वल टू क्यू टी। तो ऐसे ट्रायंगल लेने हैं जिसमें पीटी और क्यू टी आता हो, है ना, पीटी और क्यू टी, दैट मीन्स आपका ट्रायंगल होगा, लेट से मैं यहां पर ले लेता हूं पी एस टी, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल होगा पी एस टी, और कौन सा होगा, एंड ट्रायंगल यहां पर ध्यान दीजिए क्यू आर टी, ओके क्यू आर टी। तो ये दो ट्रायंगल आपके बनते हैं जिनको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए किस तरीके से आप करोगे, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो एस पी है, ओके, इस ट्रायंगल की आर क्यू के बराबर है, ओके, एस पी जो है वो आर क्यू के बराबर है, ठीक है, ये आपकी साइड हो गई। इसके बाद एंगल देखिए, अगर मैं इस पूरे के पूरे एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो टोटल एंगल हो जाएगा आपका 150 डिग्री का। इन द सेम मैनर ये एंगल आपका 90 डिग्री का है और ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, दैट मीन्स टोटल हो जाएगा 150 डिग्री का, तो एंगल आपका बराबर है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, ओके 150, तो आप यहां पर लिख दोगे एंगल, ओके इसके बाद आपका जो एस टी है, एस टी जो है वो किसके बराबर है, वो है आर टी के बराबर, क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, है ना, तो दोनों साइड आपकी बराबर होंगी। एस टी जो है ये वाला, एस टी जो है वो इस टी आर के बराबर होगा, ठीक है, या आर टी आप लिख सकते हैं, तो ये आपकी साइड होगी। तो देखिए कौन सा रूल यहां पर अप्लाई होता है, आप ध्यान दीजिए एस ए एस, ओके, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट रूल यहां पर अप्लाई होगा। तो यहां पर आपने इस मेथड से, इस रूल से इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया कि आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया इस मेथड से, एस ए एस रूल से, कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो पी टी है वो क्यू टी के बराबर होगी विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। इसका सिंपल सा मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि बचे हुए पार्ट्स, ठीक है। तो आपके पास साइड हो गई थी, एंगल हो चुका है,
साइड हो गई थी और ये वाली साइड बची थी आपके पास, है ना। तो हमने बोल दिया कि सीपीसीडी से ये भी बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमने पार्ट वन को सॉल्व कर लिया है। पीटी इज इक्वल टू क्यूटी आपका प्रूव हो चुका है विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी इस पर्टिकुलर रूल से, ओके, एसएएस रूल से। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। एंगल TQR आपको प्रूव करना है 15 डिग्री। तो देखिए, आपको यहां पर बहुत सिंपल सी बात को समझना है कि जब मैंने कहा था कि TR जो है वो आपका SR के बराबर है, मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझना कि जो TR है वो SR के बराबर है, क्योंकि ये आपका एक ट्रायंगल है। SRT जो है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सभी साइड्स बराबर होंगी। लेकिन आपको ध्यान यहां पर ये देना है कि जो TR है, ओके, ये जो साइड है ये सिर्फ ट्रायंगल की साइड है, ओके, स्क्वायर का पार्ट नहीं है। लेकिन जो SR है वो ट्रायंगल का पार्ट भी है और स्क्वायर का पार्ट भी है। दैट मींस जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगी सारी की सारी। मेरी बात आई समझ में? TR जो होगी वो RQ के बराबर भी होगी। आगे मेरी बात समझ में? दैट मींस TS जो होगी वो SP के बराबर होगी। सभी साइड्स आपस में बराबर हैं, ओके। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जब आपको ये एंगल फाइंड करना है TQR इज इक्वल टू 15 डिग्री। सिंपल सी बात है, जब आपका TR जो है, अब हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो TR है वो RQ के बराबर होगा, है ना। तो जैसे ही आपकी साइड्स बराबर होती हैं, आप बोल सकते हो एंगल भी बराबर होंगे। दैट मींस आप यहां पर लिख लीजिए एंगल TQR इज इक्वल टू RTQ, ठीक है। ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। अब यहां पर इस ट्रायंगल के अंदर इंट्रायंगल, यू कैन से TRQ, ठीक है, इंट्रायंगल TRQ, क्योंकि हमें ये एंगल प्रूव करना है कि 15 डिग्री के बराबर है, तो हमने इसी एंगल को ले लिया। तो यहां पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे। आप यहां पर लिख लीजिए एंगल RTQ प्लस एंगल RQT प्लस एंगल TRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमने कैसे लिया है? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो RTQ है, ठीक है, RTQ ये आपका x डिग्री होगा। दोनों एंगल आपके बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर हैं। तो इसको हमने मान लिया x, इसको x मान लिया और इस एंगल को भी x मान लिया, ठीक है। RQT की बात करते हैं, RQT तो ये भी आपका x होगा, ठीक है। इसके बाद TRQ, तो ये एंगल तो आपका 150 डिग्री है, तो आप यहां पर लिख देंगे 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, ठीक है। तो ये 30 आ जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 15 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका 15 डिग्री होगा, ओके, और ये एंगल भी आपका 15 डिग्री होगा। अब यहां पर आप जोड़ के देख सकते हैं, 150 डिग्री 15 डिग्री और 15 डिग्री टोटल आ जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं TRQ ट्रायंगल की। तो यहां पर हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है। आपका पहला पार्ट सिर्फ इतना था, ओके, मैं इन दोनों को सेपरेट कर देता हूं सो दैट की आपको समझने में आसानी हो। ये आपका पहला पार्ट था और सेकंड पार्ट आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि आपका एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है AB इज ए लाइन सेगमेंट, ओके, AB आपका एक लाइन सेगमेंट है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB, ठीक है। AB के अपोजिट साइड में है P और Q, दो पॉइंट, ठीक है।
सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, यानी कि इस तरीके से कि आपका ये जो साइड है इसके बराबर होगा और ये जो साइड है इसके बराबर होगा। साइड बराबर क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बोला गया है इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, है ना। P और Q जो है वो A और B से इक्वल पॉइंट्स पर मौजूद हैं, ठीक है। A से P पॉइंट जो है और B से P पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, और A से Q पॉइंट और B से Q पॉइंट ये आपस में बराबर है। मेरी बात आगे समझ में? इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो AP है वो किसके बराबर है? PB के बराबर है, ओके। या हम बोल सकते हैं कि जो आपका ए क्यू है वो बी क्यू के बराबर है, ठीक है। इस बात को बोला गया है। इसके बाद क्या बोला है? शो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। देखिए पी क्यू आपका ये लाइन है, इसको बोला गया है आप प्रूव कीजिए कि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा और बाइसेक्टर भी है, यानी कि इस लाइन को एबी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मींस एसी जो है वो आपका बीसी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दो बातें आपको प्रूव करनी है कि एंगल 90 डिग्री का बनाता है और दूसरा एसी जो है वो बीसी के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इस बात को समझना है, कहीं ना कहीं आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को बेसिकली हम तीन स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको दो ट्रायंगल सिलेक्ट करने हैं जिनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आपका पी ए क्यू होगा पी ए क्यू और दूसरा ट्रायंगल होगा आपका पी बी क्यू पी बी क्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल को आप किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको विजिबल होगा कि जो AP है वो PB के बराबर है। तो सिंपली आप इस बात को यहां पर लिख लोगे AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। तो ये आपका गिवन है, ओके, ये आपको गिवन है क्योंकि इक्विडिस्टेंट है A और B से, है ना, P पॉइंट। इसके बाद AQ जो है वो आपका किसके बराबर है? BQ के, है ना, ये भी आपको गिवन है, ओके। इसके बाद आप कह सकते हैं जो PQ है, PQ जो है वो आपकी बेसिकली कॉमन है, है ना। दोनों ट्रायंगल में आप देखो, आपके ट्रायंगल है PAQ और PBQ, दोनों को ऑब्जर्व करो तो आपको यहां पर दिखेगा कि जो PQ लाइन है वो कॉमन है आपकी, है ना। तो PQ इज इक्वल टू PQ आप लिख सकते हो, यहां पर लिखोगे ये आपका कॉमन है, ठीक है। तो ये भी आपका साइड है, ये भी आपका साइड है और ये भी आपका साइड है। तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। कैसे होगा? ट्रिपल S रूल, है ना, साइड साइड साइड, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। इसके बाद देखिए आप यहां पर बोल सकते हैं कि एंगल APQ इज इक्वल टू BPQ, ये कैसे होगा? CPCT से, है ना, क्योंकि आप दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर चुके हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी। जब दो ट्रायंगल आपने प्रूव कर ही दिए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाद एंगल भी आपके बराबर हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा कि हमने सीपीसीटी से इन दो एंगल्स को ही बराबर क्यों किया, ठीक है। आपको क्या करना है, अब दो ट्रायंगल और लेने हैं। तो जो ऊपर वाले ट्रायंगल है आपके एपीसी और ये आपका बन जाता है BPC, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं और आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, यहां पर आपको जो चाहिए उसको निकालने में, उसको फाइंड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर ले लेते हैं ट्रायंगल PAC, ओके, एंड
ट्रायंगल बी सॉरी पी बी सी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल आपने ले लिए ऊपर के, पहला वाला ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए, ये आपका जो साइड है एपी, ये आपका बीपी के बराबर है, ओके। और ये जो एंगल है अभी अभी जो हमने प्रूव किया है कि बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। इसके बाद जो पीसी साइड है, आप यहां पर देखें जो पीसी साइड है ये आपकी कॉमन है, ओके। तो ये आपकी साइड हो गई, ये आपका एंगल हो गया और ये आपकी साइड हो गई। तो एस ए एस रूल से आप बोल सकते हो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है ना। इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं कि जो एपी है वो आपकी बीपी के बराबर है और ये आपको गिवन था, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे, देखिए ये जो आपका एंगल है एपी क्यू, तो अब आप इसको लिखेंगे एपी सी, एपी सी इज इक्वल टू, अब बीपी क्यू को क्या लिखेंगे, बीपी सी, बीपी सी, ओके। इसके बाद जो पीसी है, पीसी आपका कॉमन है, ओके, ये आपका कॉमन साइड हो गया। तो दैट मींस ये आपके दोनों ट्रायंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया पी बी सी के विद द हेल्प ऑफ एस ए एस रूल। इसके बाद जैसे ही आपने इनको प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से आप इसकी हेल्प लेके बोल सकते हो जो बाकी के पार्ट्स हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, उनको इक्वल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यही तो करना था कि जो ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और जो पी क्यू है आपका, ये आपका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था जो ए सी है वो बी सी के बराबर होना चाहिए, ओके। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी हम बोल सकते हैं ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगा। मेरी बात आई समझ में, यही तो हम चाहते थे। तो हमने लिख दिया ए सी इज इक्वल टू बी सी, ओके, विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी, क्योंकि आपने अभी अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो यहां पर आपके दो स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे कि परपेंडिकुलर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आपने ये तो दिखा दिया कि बाइसेक्टर है ए बी का, अब आपको दिखाना है परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो इसके लिए आपको एंगल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, किस तरीके से आप एंगल्स को यहां पर लोगे। जिस तरीके से आपने इन दो साइड्स को सीपीसीटी से इक्वल किया है, उस तरीके से आप एंगल्स को भी इक्वल बोल सकते हो कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है, ओके। लेकिन 90 डिग्री अभी नहीं है, सिर्फ एंगल बराबर है, कितना है ये आपको नहीं पता। तो आप यहां पर लिख देंगे ए सी पी, ठीक है, ए सी पी, ये जो एंगल है आपका बी सी पी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे बी सी पी, ये भी आपका होगा सी पी सी टी की हेल्प से, है ना। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, दैट मीन्स थर्ड स्टेप की। देखिए, अब आपको सिंपली क्या करना है, एंगल्स देखने हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए जो ए बी है वो आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और पी सी आपका लाइन है। जब भी आपका एक लाइन सेगमेंट होता है और यहां पर कोई भी एंगल फॉर्म होता है, तो आप बोल सकते हो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। दैट मींस अगर ये x है और ये y एंगल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये बनते हैं लीनियर पेयर, ओके। ये आपका साइड है, ये आपकी कॉमन साइड होती है, ठीक है। अगर बात करें इस एंगल की और इस एंगल की, तो आपकी ये जो साइड है ये कॉमन है और ये आपकी अपोजिट लाइन है, ठीक है। तो यहां पर बन चुका है ये लीनियर पेयर। तो इसी सेम मेथड को हम यहां पर हम अप्लाई करेंगे। ये एंगल यहां पर बनते हैं किस तरीके से, देखिए एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी, ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया है और ये बन गया आपके लीनियर पेयर से 180 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स आपके ये बराबर भी हैं, हमने अभी अभी प्रूफ किया है
कि दोनों एंगल बराबर हैं, लेट से कि आपका एसीपी जो एंगल है वो एक्स डिग्री है, तो बीसीपी भी आपका एक्स डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको हमने बोल दिया एक्स डिग्री, तो ये भी आपका एक्स डिग्री हो जाएगा, ओके 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 180, और x का जो वैल्यू होगा वो आप यहां पर निकाल लेंगे, ओके ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ओके तो x का जो वैल्यू है दैट मींस एंगल ACP भी आपका 90 डिग्री है और एंगल BCP ये भी आपका 90 डिग्री है। तो आपने यहां पर प्रूव कर दिया कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर भी आपने प्रूव कर दिया और बाइसेक्टर भी आपने दिखा दिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीन स्टेप में हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट स्टेप में हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसके बाद थोड़ा और पास गए हम, ये जो दो ट्रायंगल है इनमें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया एक दूसरे को, उसके बाद एंगल की बात की, ठीक है आपने बाइसेक्टर यहां पे शो कर दिया, उसके बाद परपेंडिकुलर भी शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।